भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, छत्तीसगढ़ खुशहाल और तरक्की की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और निश्चित रूप से एक नया सवेरा आने वाला है। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सीएम भगेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभिमान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का। आज जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए चुनाव के मैदान में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये जो नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ को बना दिया है उसके खिलाफ खुशहाल प्रदेश बने, समृद्ध प्रदेश बने, नौजवानों के सपने साकार हों, नौजवानों को उनका भविष्य संवारने का अवसर मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित गांव और शहरों का विकास हो, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, ऐसा प्रदेश बनाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए राज्य की जो कांग्रेस की सरकार है उसको उखाड़ फेंकना आवश्यक है। अटल जी के सपनों के अनुरूप एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसके लिए हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है और छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनके भविष्य संवारने का अवसर मिले, निष्पक्ष अवसर मिले, माताएं बहनें सुरक्षित हो, इन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज हो, इन विषयों को लेकर आज छत्तीसगढ़ की जनता चिंतित है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहेगी जिसने 2018 के एक भी वादे पूरे नहीं किए, पौने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, विकास को अवरुद्ध किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने का इंतजार है। आज ऐलान हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ बने, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस प्रकार से पौने 5 सालों में भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, दुर्गति की है, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, घोटाले का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, विकास को अवरुद्ध किया, हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ की जनता इसी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और इसलिए चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है। और छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को राज्य की कमान सौंपने के लिए तैयार है। मुद्दे तो देखिए, बस्तर और सरगुजा की जो दुर्दशा राज्य की कांग्रेस की सरकार ने की है, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है, कोई काम वहां नहीं हुआ विकास के। जो विकास की परियोजनाएं हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ था वो सारे इन्होंने ढप कर दिए हैं। परेशान है वहां के लोग, न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, किसी तरह कोई काम वहां पर नहीं हुआ है और इसलिए वहां की जनता में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए।